डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन है कि हमारे सिलेबस से क्या डिलीट हुआ है और क्या हमें करना है, क्या हमें छोड़ना है। मैक्सिमम बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए हम एक ये टेबल, ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाना चाह रहे हैं, जिससे आपको कंफर्म हो जाए, क्लियर हो जाए कि किस चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक्स जो नहीं कर रहे हैं, जो एग्जाम में नहीं आएंगे। ये 10th क्लास का सिलेबस है जो NCERT ने इश्यू किया है कि कमिंग एग्जाम में आपके कुछ टॉपिक्स NCERT की बुक से जो आपको नहीं कर रहे। जैसा कि सबसे पहले चैप्टर है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, तो उसमें पहला जो टॉपिक है 1.2 जो NCERT की बुक में है, उसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा और उससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। नंबर 2 1.5 रिविजिटिंग रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंसेस, मतलब रैशनल नंबर को रीअरेंज करना, चेक करना और उसको डेसिमल में एक्सपेंस करना, दशमलव में बदलना, ये टॉपिक भी नहीं आएगा। सेम दूसरे चैप्टर में जाएं, पॉलीनोमियल्स में, बहुपद में, तो उसमें एक टॉपिक डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलीनोमियल्स मींस बहुपदों का भाग नहीं आएगा एग्जाम में। जैसे पहले बहुपद के क्वेश्चंस के करने के लिए हमें भाग करना होता था, तो अब इस टाइप का क्वेश्चंस नहीं आएगा। नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में 3.2 जो टाइटल है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इक्वेशन मतलब फॉर्म करना, बनाना। नंबर 3.3 में ग्राफिकली मेथड ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब ग्राफ के क्वेश्चन नहीं आएंगे। 3.4.3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जैसा कि ये पिछली बार भी सिलेबस से डिलीट था, इस बार भी ये डिलीट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 3.5 इक्वेशन रिड्यूसेबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब जो इक्वेशन समीकरण को रिड्यूस करके हम सॉल्व करते थे, उस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। और लास्ट में एक्सरसाइज है 3.7 जो ऑप्शनल है, उसके क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, उसमें पेज नंबर भी आपको साथ साथ दे रखे हैं कि किस पेज पर जो मैटर है वो नहीं आएगा। तो यहाँ इसमें बताया गया कि 4.4 सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है। तो ये जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर या पूर्ण वर्ग बना के जो हम द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन निकालते थे, वो सिलेबस में नहीं है, ना पिछले बार था ना ही इस बार। आगे चलें तो चैप्टर नंबर 6 है जिसमें ट्रायंगल्स की बात करिए। 5 चैप्टर कंप्लीट है, उसमें कुछ डिलीट नहीं हुआ, सारे क्वेश्चन एजिट यूज करने पड़ेंगे, उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, पूरा चैप्टर आएगा। चैप्टर नंबर 6 की बात करें, ट्रायंगल त्रिभुज, त्रिभुज में हमारे पास पेज नंबर 144 जिसमें 6.5 एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स की जो थ्योरम है या उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में नहीं आएंगे। नेक्स्ट है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम और उससे बेस्ड क्वेश्चंस भी एग्जाम में नहीं आएंगे। नेक्स्ट पेज नंबर 152 से 153 एक्सरसाइज 6.6 ऑप्शनल एक्सरसाइज है, वो भी एग्जाम में नहीं आएंगे। जैसा कि चैप्टर नंबर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहा है कि 7.4 एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एक्सरसाइज और ऑप्शनल एक्सरसाइज, वो दोनों ही नहीं आएंगे। तो ये चैप्टर नंबर 7 में जो पहले भी ये डिलीट था, पहले भी नहीं आ रहा था एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, और इस बार भी नहीं आएगा। नेक्स्ट ऐसे ही यदि हम देखें तो सेकंड चैप्टर नंबर 8 की बात करेंगे। तो चैप्टर नंबर 8 में यदि हम देखें तो चैप्टर नंबर 8 के भी कुछ टॉपिक्स जो है यहाँ से डिलीट किए हुए हैं, जैसा कि पेज नंबर 187 से 190, 193, 194 पर कुछ टर्म्स हैं, उनको डिलीट किया गया। तो यहां पर चैप्टर 8 में देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ द कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब जहां 90 माइनस थीटा एंगल यूज होता है
कंप्लीमेंट्री रिलेशन यूज होता है तो वहां आपका ये कोई भी पार्ट्स नहीं आएगा, उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे इसमें। नेक्स्ट देखेंगे चैप्टर नंबर 9 में, जो फर्स्ट 9.1 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमितीय जो समस्याएं हैं उन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है उसमें इंट्रोडक्शन जो 9.1 है वो, और एक्सरसाइज 9.1 एक ही एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 16 उसमें भी एक कंप्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन यूज हो रहा है, वहां भी वो क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 11 जो है वो कंप्लीटली डिलीटेड है, कंस्ट्रक्शन रचनाएं उसमें से कुछ भी एग्जाम में नहीं आने वाला है। सेम चलते हैं तो चैप्टर नंबर 12 पे जाएंगे। चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, इसमें इंट्रोडक्शन 12.1 डिलीटेड कर दिया गया, 12.2 पैरीमीटर एंड एरिया, पैरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल ए रिव्यू, मतलब उनका जो बेसिक कंसेप्ट है 224 बेस से 226 बेस तक पैरीमीटर और एरिया से संबंधित, परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो उसमें नहीं आएंगे। नेक्स्ट 231 से 238 पेज तक एक्सरसाइज टाइटल नंबर 12.4 एरिया ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लेन फिगर, मीन्स जहां कंबाइंड फिगर होंगी, संयुक्त पिक्चर होंगी, जहां सर्कल और त्रिभुज चतुर्भुज वाले ऐसे क्वेश्चंस जिनमें से हमें कंबाइंड फिगर्स होती हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। चैप्टर नंबर 13 में बात करें तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वक्र पृष्ठ और क्षेत्रफल आयतन, तो यहाँ पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन पर जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 13 उसमें आपके पेज नंबर 248 से 252 तक जो कन्वर्जन ऑफ द सॉलिड फ्रॉम ए शेप टू अनदर शेप, मीन्स यदि एक शेप को कन्वर्ट करके पहले दूसरे शेप में कन्वर्ट करते थे वो क्वेश्चन इस बार एग्जाम में नहीं आएगा। नंबर नेक्स्ट है 13.5 में फर्स्ट टर्म जो पहले भी डिलीट था वो इस बार भी नहीं आएगा, और एक्सरसाइज 13.5 ऑप्शनल है वो भी, उसके भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आए। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14 में स्टैटिक्स है, उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्पिटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो कॉम्पिटेटिव फ्रीक्वेंसी का बार ग्राफ है वो एग्जाम में नहीं आएगा, जिसको हम संचय बारंबारता ग्राफ भी कहते हैं, ओजाई या संचय बारंबारता ग्राफ कहते हैं, वो एग्जाम में नहीं आएगा, यानी कि ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 15 में जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी में इंट्रोडक्शन नहीं है, और सेकेंड जो एक्सरसाइज है 15.2 ऑप्शनल है उसके भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। अभी आपको ये हमने बताया है कि सिलेबस जो डिलीट हुआ है वो क्या क्या है, उसके बाद यदि हम बात करेंगे सिलेबस डिलीट होने के बाद जो भी बचता है हमारे पास, अब आगे आता है कि सीबीएसई ने जो क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड किया गया है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसको वन बाय वन नेक्स्ट वीडियोज में हम सोल्व करेंगे। इस तरह से आपके पास हम क्वेश्चनों के सॉल्यूशंस, क्वेश्चंस और पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है उन सब के बारे में गाइड करेंगे, वन बाय वन हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। ओके, थैंक यू।